उत्तिष्ठ सत्य साईशा क
कर्तव्यं दैवमान्यकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठपर्तीश उत्तिष्ठ जगतीपते उत्तिष्ठ करुणापूर्णा लोकमंगलसिद्धये चित्रावती तटविशाल सुशांतसौधे तिष्ठन्ति सेवकजनास्तव दर्शनार्थम् आदित्यकान्तिरनुभाति समस्तलोका श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् वन्नामकीर्तनरतास्तव दिव्यनामा गायन्ति भक्तिरसपान प्रहृष्टचित्ता दातुं कृपासहितदर्शन माशुतेभ्यः श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् आदाय दिव्यकुसुमानि मनोहराणि श्रीपादपूजनविधिं भवदङ्घ्रिमूले कर्तुं महोत्सुकतया प्रविशन्ति भक्ता श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् देशान्तरागतबुधास्तव दिव्यमूर्तिं सन्दर्शनाभिरतिसंयुत चित्तवृत्त्या वेदोक्तमन्त्रपठनेन लसन्त्यजस्रम् श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम् श्रुत्वा तवाद्भुतचरित्रमखण्डकीर्तिम् व्याप्तान्दिगन्तरविशालधरातलेऽस्मिन् जिज्ञासुलोक उपतिष्ठति चाश्रमेऽस्मिन् श्री सत्यसाई भगवन्
तव सुप्रभातम्। सीता सती समविशुद्ध हृदम्बुजाता बह्वंगना करगृहीत सुपुष्पहारा स्तुन्वन्ति दिव्यनुतिभिः फणिभूषणं त्वां श्री सत्यसाई भगवन् तव सुप्रभातम्। सुप्रभातमिदं पुण्यं ये पठन्ति दिने दिने ते विशन्ति परं धाम ज्ञान विज्ञान शोभिता मंगलं गुरुदेवाय मंगलं ज्ञानदायिने मंगलं पतिवासाय मंगलं सत्यसाईने। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई बाबाय नमः। ओम श्री साई सत्य स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई सत्य धर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई वरदाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई सत्य गुणात्मने नमः। ओम श्री साई साधुवर्धनाय नमः। ओम श्री साई साधुजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई सर्वज्ञाय नमः। ओम श्री साई सर्वजन प्रियाय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्ति मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वेशाय नमः। ओम श्री साई सर्वसंग परित्यागिने नमः। ओम श्री साई सर्वांतर्यामिने नमः। ओम श्री साई महिमात्मने नमः। ओम श्री साई महेश्वर स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई प्रतिग्रामोद्भवाय नमः। ओम श्री साई प्रतिक्षेत्र निवासिने नमः। ओम श्री साई निषत्काय शिरडी वासिने नमः। ओम श्री साई जोडियादिपल्ली सोमप्पाय नमः। ओम श्री साई भारद्वाज ऋषि गोत्राय नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई अपांतरात्मने नमः। ओम श्री साई अवतार मूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ओम श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः। ओम श्री साई अभयप्रदाय नमः। ओम श्री साई रत्नाकर वंशोद्भवाय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई अभेद शक्त्यवताराय नमः। ओम श्री साई शंकराय नमः। ओम श्री साई शिरडी साई मूर्तये नमः। ओम श्री साई द्वारकामाय वासिने नमः। ओम श्री साई चित्रावती तथपुट्टपर्ति विहारिणे नमः। ओम श्री साई शक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई शरणागत त्राणाय नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आतत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः। ओम श्री साई लोकबांधवाय नमः। ओम
श्री साई लोकरक्षापरायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजनपोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्रयस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्तिप्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुषविदूराय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः। ओम श्री साई सर्वहृद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनंतनुतकर्त्रिणे नमः। ओम श्री साई आदिपुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्तये नमः। ओम श्री साई अपरूपशक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्तरूपिणे नमः। ओम श्री साई कामक्रोधध्वंसिने नमः। ओम श्री साई कनकांबरधारिणे नमः। ओम श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ओम श्री साई आपद्बान्धवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेमप्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तप्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्तमंदाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयविहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजनहृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्तपराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्तिज्ञानप्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञानमार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानस्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीताबोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञानसिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदररूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्यपुरुषाय नमः। ओम श्री साई फलप्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराणपुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतीताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्धसंकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसारदुःखक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याणगुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानसशोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमतसम्मताय नमः। ओम श्री साई साधुमानसपरिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रहवटवृक्षप्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकलसंशयहराय नमः। ओम श्री साई सकलतत्वबोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगींद्रवंदिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री साई आपन्निवारिणे नमः। ओम श्री साई आर्तिहराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभप्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्यसाई नाथाय नमः। ओम श्री साई राम। आप एक आरामदायक आसन लगाकर बैठें।
इस प्रकार बैठें कि ज्योति की लौ आपकी नाक की सीध में हो। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधे रखें और हाथ घुटनों पर रखें। आप अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं। चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें। अब आप अपने शरीर के किसी भी अंग को न हिलाएं। श्वास प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। सोहम मंत्र के साथ गहरी सांसें लें। आंखों की पलक झपके अपने सामने रखी ज्योति की लौ को एक टक देखें। इस दौरान अपनी भौहों के बीच ज्योति की ऊष्मा का एहसास करें। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। यह दिव्य ज्योति, चैतन्य ज्योति, प्रेम ज्योति, आनंद ज्योति, परम ज्योति अब मेरे भ्रिकुटी में स्थापित हो रही है। धीरे धीरे यह ज्योति मेरे गले के मध्य से आध्यात्मिक हृदय कमल में प्रवेश कर रही है। ज्योति के प्रकाश और ऊष्मा से हृदय कमल की पंखुड़ियां खुल रही हैं। ज्योति के सुनहरे प्रकाश और ऊष्मा में यह कमल विलीन हो रहा है। ज्योति सूर्य किरणों के समान हृदय चक्र में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे माथे के मध्य में स्थापित है। मेरा सिर और माथा ज्योति की ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकाश से सभी बुरे एवं नकारात्मक विचार भस्म हो रहे हैं। अब मेरे मस्तिष्क में केवल शुभ एवं
सकारात्मक विचारों की उत्पत्ति होगी। अब ज्योति मेरे दाहिने आंख में, फिर बाईं आंख में स्थापित हो रही है। मेरी दोनों आंखें सूर्य के समान चमक रही हैं। ये आंखें अच्छे दृश्य ही देखेंगी। अब ये ज्योति मेरे दाहिने कान में, फिर बाईं कान में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दोनों कानों में प्रणव की ध्वनि गूंज रही है। ये कान अच्छा संगीत और भगवान की गौरव गाथा ही सुनेंगे। अब ज्योति मेरे नाक में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरी नाक पवित्र हो गई है। यह नाक अच्छी खुशबू ग्रहण करेगी और प्राणायाम के अभ्यास में लगी रहेगी। अब ज्योति मेरे मुख में स्थापित हो रही है। ज्योति के प्रकाश से मेरे दांत, जिह्वा और मुख प्रकाश से भर गए हैं। मेरे दांत और जिह्वा सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। मेरे मुख से सत्य एवं मधुर वाणी निकलेगी। यह मुख अब निरंतर भगवत नाम स्मरण करेगा। दिव्य ज्योति मेरे गले में स्थापित हो रही है। दिव्य प्रकाश से मेरे वोकल कॉर्ड सशक्त हो रहे हैं। अब यह ज्योति मेरे बाएं कंधे को, फिर बाएं भुजा को, फिर बाएं कोहनी को, फिर बाईं हथेली को और फिर उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। अब ज्योति मेरे दाएं कंधे को, फिर दाईं भुजा को, फिर दाईं कोहनी को, फिर दाईं हथेली को और फिर दाहिनी उंगलियों को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही हैं। मेरे हाथ अच्छे कार्य ही करेंगे। दूसरों की मदद करने से ये कभी नहीं थकेंगे। अब यह ज्योति मेरे बाएं जांघ को, फिर बाएं घुटने को, फिर बाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। अब ज्योति मेरे दाईं जांघ को, फिर दाएं घुटने को, फिर दाएं पैर को प्रकाशित एवं सशक्त कर रही है। मेरे पैर केवल अच्छे स्थानों को जाएंगे। अब ज्योति मेरे मूलाधार में स्थापित हो रही है। मेरे मल मूत्र त्याग करने वाले अंग देह से सभी दूषित पदार्थों को बाहर निकालते रहेंगे। अब दिव्य ज्योति मेरी नाभि में स्थापित हो रही है। मेरा पेट और पाचन में सहयोग देने वाले अन्य अंग ज्योति के प्रकाश से शुद्ध हो रहे हैं। अब ज्योति मेरी पीठ, हृदय और फेफड़ों को प्रकाशित कर रही है। ये सभी अंग ठीक से कार्य करते रहेंगे। अब यह ज्योति हृदय चक्र से
पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर का रोम रोम सुनहरे प्रकाश से दीप्तिमान हो गया है। ज्योति की किरणें शरीर के हर कण से बाहर फैल रही हैं। यह कक्ष ज्योतिर्मय हो गया है। अब ज्योति मेरे माता एवं पिता में स्थापित हो रही है। अब यह ज्योति मेरे जीवन साथी में स्थापित हो रही है। मेरे भाई बहन मित्र एवं रिश्तेदारों को ज्योति प्रेम प्रदान कर रही है। ज्योति का प्रकाश सभी मनुष्यों को दिव्य प्रेम दे रहा है। सभी पशु पक्षी कीट पतंगे और सभी जल जीव प्रेम प्रकाश से भर गए हैं। सभी पेड़ पौधे और वनस्पति दिव्य प्रेम प्रकाश से आनंदित हो गए हैं। सभी पर्वत पहाड़ मैदान प्रेम से भर गए हैं। सभी समुद्र नदी नाले झील तालाब प्रेम प्रकाश से सराबोर हो गए हैं। पृथ्वी माँ से आनंद प्रकाश की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल रही है। सारा ब्रह्मांड प्रेमानंद के सुनहरे प्रकाश से भर गया है। भगवान श्री सत्य साई बाबा के विराट स्वरूप का मैं दर्शन कर पा रहा हूं। उनके चरण कमल, उनका अग्नि के रंग का चोला, उनके दोनों अभय हस्त, कोटि सूर्य के समान उज्जवल उनका मुखारविंद, यह सब मुझे अपार आनंद प्रदान कर रहा है। मैं और भगवान एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। मैं उनमें ही लीन हो रहा हूं। मैं और भगवान एक हो गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्मा अहम् ब्रह्मास्मि तत् त्वम् असि अयम् आत्मा ब्रह्मा। धीरे से अपने हाथों को
आपस में रगड़ें और अपनी बंद आंखों को स्पर्श करें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों से चेहरे की हल्की मालिश करें। धीरे धीरे इसी तरह से पूरे शरीर की हल्की मालिश करें। शांति शांति शांति। ओम श्री साईराम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा प्यार भरा साईराम। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं पंचकुला समिति का सदस्य हूँ। मैं आज आप सभी को हमारे आज के प्रोग्राम के स्पीकर के बारे में कुछ शब्द कहूँगा। हमारे आज के स्पीकर हैं बीवी गुप्ता सर। बीवी गुप्ता सर हमारी संस्था के साथ पिछले 25-30 सालों से जुड़े हुए हैं और सर DC मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि पंचकुला में है उसके डायरेक्टर हैं। हमारी संस्था के साथ साथ सर बाकी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जो टाइम टू टाइम ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं। सर अपने स्कूल के द्वारा काफ़ी गरीबों की भी हेल्प कर रहे हैं जिन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उनमें से एक मैं भी, तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड सर को एक्सप्रेस करना चाहूँगा और सर को आज के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करता हूँ। सायर ओम श्री साई राम। आज की इस वार्ता का विषय श्री सत्य साई विद्या वाहिनी है। आप जानते हैं सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन 3 क्षेत्रों में कार्य करती है। सेवा का क्षेत्र आप जानते हैं, किसी भी तरीके की सेवा, जो भी किसी विलेज की सेवा है, कोई फैमिली अडॉप्शन है और किसी भी तरीके की सेवा जो भी सोसाइटी को ज़रूरत होती है उस सेवा के लिए आप जानते हैं हमारे साई सेवक तैयार रहते हैं। दूसरा हमारा विषय है स्पिरिचुअल विंग, उसमें आप जानते हैं मेडिटेशन है, स्टडी सर्कल है और भजन्स हैं। तीसरी जो जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा के क्षेत्र में बाल विकास क्लासेस, बच्चों को ग्रूम करने के लिए 4 साल से लेके 14 साल के बच्चों के लिए लगती हैं और इसी के साथ साथ मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है हमारा शिक्षा जगत का वो विंग जो बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो शिक्षा जो स्कूल की शिक्षा है उस स्कूल की शिक्षा को भी वैल्यू बेस्ड शिक्षा करने के लिए स्वामी ने 2010 में ये विद्यावाहिनी का निर्माण किया। विद्यावाहिनी के लिए रतन टाटा, आप जानते हैं जो टाटा कंपनी के मालिक हैं, जब वो स्वामी के पास पुट्टपर्ती में विजिट किया उन्होंने तो वहाँ उन्हें इतनी सारी सेवा की एक्टिविटी नज़र आई तो उन्होंने स्वामी से रिक्वेस्ट की कि स्वामी मुझे भी कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराएं। तो स्वामी ने उन्हें, जो वहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उनसे मिलाया और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आइए मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि जो गांव के बच्चे हैं जो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित हैं, वहाँ के टीचर्स को भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है, बच्चों का लेवल भी जो शहर के बच्चों के लेवल से काफ़ी मिसमैच है, तो उसको देखते हुए एक नया क्षेत्र का निर्माण किया गया श्री सत्य साई विद्या वाहिनी के नाम से। श्री सत्य साई विद्या वाहिनी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे शिक्षा में इंटरेस्ट लें और गांव के बच्चे
शहर के बच्चों को जो सुविधा मिली हुई है वो सुविधा हम गांव के बच्चों को भी प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर साइंस में, सोशल साइंस में और मैथमेटिक्स में सर्वप्रथम 6th, 7th, 8th के क्लासेस को लेके कुछ लेसन्स को डिज़ाइन किया गया और उस लेसन में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, डे टू डे रेलिवेंस, मेन स्क्रिप्ट, क्वेश्चन टू एसेस, सुजेस्टेड एक्टिविटी, ऐसा कर 7 एसेट्स को जोड़ा गया। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा ये जो प्रोग्राम है इसको CBSE ने अपने मेन पोर्टल जिसका नाम दीक्षा पोर्टल है उसके लिए अडॉप्ट किया है। अब आप चाहें तो इन लेसन्स का इस्तेमाल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ये लेसन्स आपको अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हुए ग्रेड के साथ साथ गुड बनाएं, तो ये लेसन्स आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ और भी प्रोग्राम हैं जिन प्रोग्रामों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर ये प्रोग्राम या तो टीचर्स कम्युनिटी के लिए हैं या जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर और जिनका टीचिंग पैशन है वो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं उसमें से एक प्रोग्राम जो जनसाधारण के लिए पॉसिबल है उस प्रोग्राम का नाम है PYF। PYF का मतलब है फोन योर फ्रेंड। ये कार्यक्रम में 1-to-1 इंटरेक्शन है। यदि आप अपनी आपकी अपनी इंग्लिश स्ट्रोंग है, आप इंग्लिश में इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो गांव के टीचर्स हेजिटेंट हैं, वो इंग्लिश बोलते हुए थोड़ा उनको हेजिटेशन होती है और वो उतना परफेक्ट नहीं कर पाते। तो उसका रीज़न ये है कि वो बच्चे जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस PYF प्रोग्राम में अगर आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो आपको एक डिवोटी, एक साइन टीचर से, एक जो गांव का टीचर है उससे मैप कराया जाएगा और वो जो गांव का टीचर है उसको आपको 15 मिनट हफ्ते में 3 बार 15-15 मिनट देना होंगे। आप उससे इंटरेक्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक विशेष लेसन प्लान है, उस लेसन प्लान को आपसे शेयर किया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि आप इसके लिए इच्छुक हैं तो आप मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। मेरा ईमेल एड्रेस है bbgupta@dcms.edu.in। मैं नॉर्दर्न रीजन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। दरवा जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, पटियाला, होशियारपुर और धर्मशाला, ये 4 स्कूल हैं जो सत्य साई स्कूल्स हैं, इनके टीचर्स और जो भी हमें ऑफर करता है कि मुझे ये कोर्स करना है वो अपने आप को रजिस्टर करता है और आप भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो हम दोनों को मैप कराते हैं। आपको एक टीचर से इंटरेक्ट करना होगा। अगर आप रोज़ की 15 मिनट या वीक में 3 दिन भी 15 मिनट स्पेयर कर सकते हैं तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जो आपको मैंने ईमेल एड्रेस दी है उस पर भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नोट कीजिएगा 8360337334। और भी हमारे प्रोग्राम हैं, हम जो ये लेसन्स हैं उन लेसन्स में हमें एनिमेशन की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप कंप्यूटर सेवी हैं और लेसन्स में कुछ
हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम ये जो सुविधा है जो आप तैयार करते हैं लेसन्स, उन लेसन्स को फ्री बांटते हैं और आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी एक स्वामी को की को ये अपनी सेवाएं अर्पण करेंगे और इसके लिए आप कुछ भी हमसे चार्ज नहीं करेंगे। तो आपकी अगर आपको इससे ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत है तो आप हमें संपर्क करें, हम आपके आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे और कोई भी आपका प्रश्न हो उसके लिए मोस्ट वेलकम। तो एक बात आप जान लें कि साईं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये दो प्रोग्राम हैं, एक है विद्या ज्योति और एक है विद्या वाहिनी। विद्या ज्योति प्रोग्राम के बारे में आप शायद जानते भी हों, आप उसको और इसको दोनों को एक साथ ना मिलाएं। एक प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ करती है वो विद्या ज्योति है, और जो ट्रस्ट आपके साथ शेयर करने करने वाली है वो है विद्या वाहिनी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि विद्या वाहिनी में हम कंटेंट पर कोशिश करते हैं, हमारी कंटेंट के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप इसको जो लेसन्स इंग्लिश में हैं उनको ट्रांसलेट करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में आप उसकी मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन इस बात का है कि अगर आपकी विलिंगनेस है, अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया और उम्मीद करता हूं कि आप हमें संपर्क करेंगे और फिर हम आपको जैसा आपकी सुविधा हो गई उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम आपसे शेयर करेंगे। ओम श्री साई राम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जनासन रक्षक भक्त जनासन रक्षक अति महेश्वरा। ओम जय जगदीश हरे शशि वदनाशी करा सर्वा प्राण पते साई सर्वा जय सद्गुरुदेव।
सप्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। जय हो